Hello friends, so this is the CAPF AC paper 2 previous year question paper booklet. So this is a solved one. तो 10 years के आपको इसमें question paper with their answers मिलती हैं. इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है. Second thing is that इस बुकलेट को यूज़ किस तरह से करना है, मीन्स क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, या सिंपल कहें कि मुझे अगर इसे यूज़ करनी होती तो मैं कैसे इसे यूज़ करता, क्या इसे नॉर्मल प्रीवियस ईयर बुक की तरह यूज़ करना है या कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है. बिकॉज थोड़ा साइंटिफिक ये बुक है, तो अगर उस तरह से आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगी, तो उस पर हम बात करेंगे. दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए मार्केट में 2-3 बुक्स और हैं, बट उनसे ये अलग कैसे है उस पर भी हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये मिलेगी कैसे. तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी ये टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एस डिफेंस पे. ठीक है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत है और सर्च कीजिए एस डिफेंस और उसके फाइल सेक्शन में जाइए. 270 पेज की बुकलेट है, आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये बुकलेट मिल जाएगी. इसके अलावा हमने 4 सिटीज़ में भी अवेलेबल करवा दी है, दिल्ली, पुणे, इंदौर और प्रयागराज में. ठीक है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी. बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि बेस्ट है कि आप PDF को डाउनलोड कीजिए, यूज़फुल लगती है तो आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिए, ये बेस्ट सोल्यूशन है. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो किस तरह से यूज़ करना है उस पार्ट में हम बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं. देखिए मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स हैं, ठीक है, बट इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट क्या क्या मिल जाता है. सो सबसे पहले जो आंसर्स आर बीइंग रिटन बाय द टॉपर्स, तो इसमें आपको टॉपर्स आंसर मिलते हैं. टोटल 10 ईयर्स में 10 क्वेश्चन पर ईयर, 6 एस से 2 आर्गूमेंट और 2 रिपोर्ट, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का इसमें आपको कंपाइलेशन देखने के लिए मिलता है. तो द 100 आंसर्स हैव बीन रिटन बाय द टॉपर्स और डिफरेंट टॉपर्स के द्वारा लिखा गया है ताकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले. जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें हो जाता है वो है एग्जाम ओरिएंटेड आंसर्स. ठीक है, देखिए ये सिर्फ लिखने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड आंसर्स नहीं है, दिस इज़ अ वेरी डीप इन इटसेल्फ. थोड़ा इसे समझते हैं. जो भी मार्केट में बुक मिलती है ना, उसके आप लैंग्वेज को देखिए, वो दे आर द आंसर्स विच आर गिवन इन दैट बुकलेट्स आर वेरी सुपरफिशियल आंसर्स. उसे 17 to 18 मिनट्स में लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और जो रिक्वायर्ड है वैसा नहीं होता. लाइक जो सेंटेंस फॉर्मेशन एक स्टूडेंट लिख सकता है उस तरह का आपको बुक में देखने के लिए नहीं मिलता है. सो वी हैव नॉट गिवन यू एनी काइंड ऑफ सुपरफिशियल आंसर. हमने कोई सुपरफिशियल आंसर्स नहीं दिए. एग्जैक्टली जो एग्जाम में लिखा जा सकता है जितने टाइम पे, उस तरह के आंसर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. हैंड रिटन मिलते हैं ताकि आप स्टिमुलेट कर पाए. सेम जो यूपीएससी के जिस तरह की आपको पेपर देखने के लिए एग्जाम में मिलती है, उसी तरह के पेपर में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है. तो एग्जैक्टली आप इंटीमेट कर सकते हैं. इसके बाद हम देखते हैं तो देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो काफ़ी सारे में हमने करंट एग्जांपल्स को ऐड किया. लाइक 2014 का पेपर है, 2015 का पेपर है, तो उसमें जो लेटेस्ट करंट एग्जांपल चाहिए थे वो हमने डाले. सारे ही आंसर्स आपको दिखेंगे मल्टी डायमेंशनल है और वर्ड लिमिट के अंदर है. ठीक है, तो कोशिश हमने किया कि जितना हो सकता है मल्टी डायमेंशनल आंसर्स रखने के लिए और रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल आंसर. द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस बुकलेट इज़ द आंसर्स विच आर गिवन इज प्रैक्टिकल. आपको बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में जिस तरह से एक स्टूडेंट लिख सकता है वैसे. साथ साथ हमने टाइमिंग भी दी है कि 17 मिनट में ये लिखा गया था, 18 मिनट में लिखा गया था, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए. ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये है हम आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं. इसीलिए अगर आप यहाँ पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट में देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट पर्सन जिन्होंने इन सारे आंसर्स को लिखा है ताकि आप सभी की देख पाएँ. ठीक है, और साथ साथ हमने पेपर 2 मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है. तो फॉर एग्जांपल जैसे 23 का पेपर है तो अर्पित सर ने लिखा है ही इज़ ऑल्सो AIR1 इन CDS. फिर 22 का पेपर है तो परमीत सर, 21 का पेपर है तो अनुराग सर, जिन्होंने 20 जैसे इनके जो मार्क्स हैं वो 2022 के हैं. 2023 के मार्क्स आएंगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, सेम आप देख सकते हैं. दिस इज़ 2019 पेपर, दिस इज़ 2020 पेपर रिटन बाई विकास सर, ही हैज़ क्लियर 2019, 20, 21, 22, देन 18 बाई कुमार सात्विक सर, 27 बाय ऋषिकेश सर. ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं. इसके बाद हमने इंडेक्स दे दिया है कि कौन से पेज नंबर पर कौन सा ईयर आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं. तो सबसे पहले हमने इसमें आपको थीम वाइज एनालिसिस प्रोवाइड किया है. तो लास्ट 10 ईयर्स के जो भी आपके 60 क्वेश्चंस थे, पहले हमने एसे का प्रोवाइड किया है. आर्गूमेंट का यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आर्गूमेंट्स एंड रिपोर्ट आर बेस्ड ऑन दी करेंट इवेंट्स, तो इस कारण से दे आर नॉट बीइंग गिवन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके 60 क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखेंगे हर साल देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम दी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन से भी है. अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए वुमेन, तो वुमेन से ऐसे आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा. बट हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर रीसेंट ट्रेंड्स को आप देखते हैं तो हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन इज़ इंपॉर्टेंट. भले ये नंबर कम दिख सकता है बट ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे नोट करके लिखा है कि इंटर थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो आप कॉन्क्रीट एक में थीम में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में देयर आर 4 क्वेश्चन, बट एक हमने इसमें ऐड किया जो 2023 का था, तो उसमें द क्वेश्चन इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स और इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हमने मोर और लेस तो लिया है पॉलिटिक्स से, बट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्लियर कट, हाँ इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ हैं जहाँ पर क्लियर कट हो सकता है, बहुत हद तक इंटरनेशनल रिलेशन के भी हो सकते हैं, कुछ हद तक वुमेन का भी हो सकता है, बट वुमेन में भी कहीं स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। बट बाकी में आपको इंटर थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक थीम की अंडरस्टैंडिंग दूसरे में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं कर सकते, ठीक है। सो इंटर थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू अहेड, देखिए यहाँ पे 2023 का पेपर है, तो हमने पेपर के नीचे भी लिख दिया है कि जिन भी व्यक्ति ने उस पूरे पेपर को लिखा है, ठीक है, जो भी 10 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद उसके आंसर्स हैं। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है इसे, ठीक है, बिफोर मूविंग टू दैट पार्ट, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से टेलीग्राम पे मेंबर हैं और जिन्होंने इस बुकलेट को देखा है, तो जो भी आपकी फीडबैक आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इसे यूज़ किस तरह से करना है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि एक सेट ऑफ पैटर्न है, उसी तरह से आपको यूज़ करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आ जाए, लाइक वीडियो कोर्स कोई आ जाए, कोई बुकलेट आ जाए, कोई नोट्स आ जाए, कोई आपको 500 पेज की 1000 पेज की नोट्स दे दे, वीडियो कोर्स दे दे, यही एक सेट ऑफ पैटर्न है। अगर इसे ही आप फॉलो करते हैं तो ही आपको हेल्प होने वाली है पेपर टू में, और पेपर टू को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए जो आपको मदद कर सकती है, जो जिस पार्ट के लिए वो रिक्वायर्ड है, इसके अलावा आप अगर सुपरफिशियल तरीके से इधर उधर करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मैंने जैसा हमेशा बताया कि सबसे पहले तो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इज बीइंग रिक्वायर्ड। इसके बाद फिर आपको चाहिए क्या, कंटेंट। तो कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि पहले तो आपको सारी थीम्स के जितने प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं उनके, और कोई भी एक करंट की मैगजीन फॉलो करके जो भी करंट इवेंट्स हैं उनके आपके पास नोट्स होने चाहिए। देन इसके बाद आता है प्रैक्टिस का पार्ट, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के बाद जो है आपका आ जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, या प्रैक्टिस में ही आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को, ठीक है। तो ये पूरा एक सेट ऑफ पैटर्न है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है अगर आपको पेपर टू में अच्छा करना है तो, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज़ें आपको मदद कर रही है, कोई फॉर एग्जाम्पल आपको प्रीवियस ईयर बुकलेट मदद कर रही है, कहीं पर कॉन्टेंट आपको मिल जा रहा है, कहीं पर आपको टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन किया वहाँ प्रैक्टिस हो जा रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को तोड़ के किसी और तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा समझना है। अब देखते हैं इस बुकलेट को हमें यूज़ किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर ली। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस बुकलेट को यूज़ करना होता तो मैं किस तरह से करता, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करता, देन जब मैं कंटेंट पे आता तो मैं थीम वाइज चलता। तो थीम वन में मान लेते हैं मैंने इंटरनल सिक्योरिटी कर ली, ठीक है। अब इंटरनल सिक्योरिटी के मैंने 10 टॉपिक्स कर लिए हैं। अब सबसे पहले जब मैंने 10 टॉपिक्स कर लिए, लाइक 1-1.5 पेज के सब पे नोट्स प्रिपेयर कर लिए, लेट्स से 2-3 पेजेस के भी नोट्स प्रिपेयर कर लिए, अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप होगी। मैंने 10 टॉपिक लेट्स से 10 दिन में टाइम देके कर लिया। अब जैसा कि मैंने देखा कि हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहा है, तो मैं पेपर में जाऊँगा कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2023 का पेपर लिया और उसमें देखा कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, साइबर अटैक अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। तो बिफोर सीइंग द पेपर कि किस तरह से अर्पित सर ने लिखा है, बिफोर सीइंग दैट पेपर मैं सबसे पहले खुद से एक नॉर्मल सा आंसर लिख लूँगा, ठीक है। जो भी 2-3 पेजेस में जितना में हो जाए वो मैं लिख लूँगा, एंड देन मैं फिर आके इनके आंसर के साथ उनको टैली करूँगा कि इन्होंने किस प्रकार से लिखा था और फिर मैंने किस प्रकार से लिखा है, किस तरह से इन्होंने इंटरलिंकिंग डेवलप की है और मैंने किस तरह से इंटरलिंकिंग डेवलप की है। तो इस प्रकार से मुझे एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ मैंने किस तरह से आंसर्स लिखा है और ये सर ने किस तरह से लिखा है, तो उससे मैं एक अप्रोच कर पाऊँगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब मान लेते मैं कोई दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इन्फिल्ट्रेटर्स इन 2021, तो वो वाला मैंने आंसर लिख दिया। अब उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि वो पेपर में 2021 का पेपर आई थिंक अनुराग सर ने लिखा है, तो अनुराग सर ने किस तरह से लिखा है। फिर नेक्स्ट ईयर का पेपर देखूँगा किसी और पर्सन ने लिखा होगा। तो इससे होगा क्या कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 डिफरेंट पर्सनस के जो आंसर्स हैं उससे मुझे एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि मैं कैसा लिख रहा हूँ और वो पर्सनस कैसा लिख रहे हैं, और किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। देखिए सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। आपने 10 देखा, उसके बेसिस पर आपको लगा कि हाँ ये 1-2 कॉपीज़ हैं जो मेरे थोड़ी राइटिंग से मैच कर पा रही है या मैं इनकी तरह लिख सकता हूँ, तो आप उनको थोड़ा सा देख सकते हैं या उनके पूरे पेपर को देख सकते हैं। तो अप्रोच ये रखनी है कि आपने जो भी कर लिया है अपने आंसर्स के साथ उनके आंसर्स को टैली करें और उनके आंसर्स के थ्रू सीखने की कोशिश करें। दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच जो आप किस में करेंगे, जो भी आपकी थीम्स हैं लाइक इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया उन पे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे आपने नोट्स ये प्रिपेयर नहीं किए होंगे जो एट द मोमेंट लिखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के क्वेश्चन आ गए कि द ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ द रियल वेल्थ। तो इसमें हो सकता है कि आप नहीं लिख पाए, तो इसमें भी करना यह है बिफोर सीइंग द आंसर एटलीस्ट आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ा सोचें कि मैं किस प्रकार से इसे लिख सकता था, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको किसी भी हाल में लिखना होता है। तो एटलीस्ट या एक रफ सा छोटा सा फ्रेमवर्क बना लें और फिर देखें कि अर्पित सर ने इस आंसर्स को कैसे लिखा है, तो आपको ज़्यादा बेहतर इससे पर्सपेक्टिव मिलेगी, बिकॉज मेन गेम है पर्सपेक्टिव का। ठीक है, आपको इन सारे पेपर से पर्सपेक्टिव लेना है कि किस तरह से टॉपर्स आंसर्स को लिख रहे हैं और मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। फिर सेम गोज विद द आर्गूमेंट। आर्गूमेंट में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो आप एक बार जाके देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को लिखा गया है। ठीक है, फिर रिपोर्ट का क्या अप्रोच रहता है टॉपर्स का, उनको आपको देखना है, अलग अलग पेपर्स को अलग अलग टॉपर्स के आंसर्स के थ्रू आपको टैली करना है। ठीक है, देन इफ़ यू विल सी हियर, देखिए ये आपका 2021 का पेपर है, तो फॉर एग्जांपल जैसे इसे अनुराग सर ने लिखा है तो आप देखेंगे कि जब ये पेपर जैसे 3 पेज आपको वहाँ पे ही मिलता है, तो 3 पेज में जिस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं वो, और एक स्टिमुलेटेड टाइम दिया गया है कि हाँ इतने टाइम में इसे लिखा गया था। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत जगह पे देखने के लिए मिलेगा कि जो बेसिक जिस तरह से एक आंसर फॉर्मुलेट होता है, एक बेसिक लैंग्वेज जो हो सकती है उस प्रकार से, और देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इंटरलिंकिंग डेवलप किया है, कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ कर करके उन्होंने इंटरलिंकिंग डेवलप किए, तो कुछ चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे का एक राइटिंग स्टाइल होती है, तो एक अगर टॉपर ने एक पूरा 10 क्वेश्चन को लिखा है तो आपको दिखेगा कि सेम पैटर्न ऑफ लैंग्वेज या सेम पैटर्न ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, सेम पैटर्न ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन वो यूज़ करें, तो उनमें से कुछ आपको अच्छे लगते हैं कि हाँ ये इंटरलिंकिंग के लिए ये यूज़ करें, मैं भी इसे यूज़ कर सकता हूँ, फर्दर मोर इस टाइप के जो भी होते हैं तो वो, तो उनको आप अपने एक कॉपी में कहीं पे नोट कर सकते हैं। तो जो आपको एडिशनल चीज़ें मिलती हैं वो आप नोट करते जाएंगे, और बाकी आप कोशिश करिए कि जैसे देखिए यहाँ पे 16 मिनट में ये हो गया है तो उस प्रकार से आप थोड़ा सा, हाँ इतना टाइम का भी कंसर्न नहीं रखना है आपको, कोशिश ये करनी है कि जिस प्रकार से इन्होंने लिखा है उससे आप पर्सपेक्टिव ले पाए कि हाँ इस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको पिक्चर दे दिया है कि देखिए आपको इसको एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट की तरह लेना है, और इसमें अप्रोच ये रखनी है कि सबसे पहले खुद से करना है। हाँ जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, या फिर आपको उतना लग रहा है कि हाँ जैसे फॉर एग्जांपल पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ फ्लॉरिशिंग अ फैमिली बिजनेस, अब ये हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे, तो एक बार आप देख सकते हैं पहले फन गो में। लेकिन जो ईजी टॉपिक्स हैं जो आपने पहले से प्रिपेयर किए हो, लाइक अर्बनाइजेशन इज हैजार्डियस टू द ह्यूमन हेल्थ, इन्फिल्ट्रेटेड थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, इनको डायरेक्ट ना देखें। डायरेक्ट देखने से बेहतर आप अपना खुद का एक आंसर लिखें और उसके बाद कोशिश करें कि उनको टॉपर्स के आंसर्स के थ्रू टैली करें। ठीक है, तभी आपको ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपको पूरा अप्रोच रखना है। बाकी सारे ही आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस का कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है, तो आप एक एक करके अलग अलग पर्सनस के आंसर्स के थ्रू जो है उन चीज़ों को टैली कर सकते हैं और उस बेसिस पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मेन आपको फोकस ये करना है कि आपके पास प्रीवियस ईयर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन आपके पास कॉन्टेंट होना चाहिए सभी पे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान आप थोड़ी बहुत हेल्प इन पेपर्स की ले सकते हैं कि किस प्रकार से टॉपर्स लिखते हैं, उस अनुसार से आप कर सकते हैं। तो आई होप मैंने ओवरऑल आपको चीज़ें समझा दी हूँ। ठीक है, बाकी मैं एक बार आपको ओवरऑल बुकलेट दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी नेक्स्ट पर्सन का दिखाता हूँ, सो दिस इज़ द पेपर ऑफ 2020 रिटन बाय विकास सर। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका वुमेन से ही रिलेटेड है। अब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जो आर्गूमेंट्स हैं ना, ये अच्छे आर्गूमेंट्स आए थे 2020 के पेपर में। सॉलिट्यूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज़ नॉट अनवेलकम, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग दी सोशल इलीट इज़ अनकॉन्शियस। तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इन सभी आंसर्स को लिखा है। ठीक है, आप देखेंगे सभी की अलग अलग पैटर्न है लिखने की, तो जो आपको सूट करता है उस बेसिस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ओवरऑल दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।